आज हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की चित्रकला, सबसे पहले बात करते हैं चित्रकला का इतिहास क्या है। चित्रकला कब से मानव, कब से चित्र बनाने लग गया आदमी के, आदमी ने बोलना बाद में शुरू किया, जो हम भाषा का विकास हम कहते हैं वो बाद में कह सकते हैं, लिखित भाषा जब उसने चित्र बनाया वो सब बाद में हुआ, लेकिन आदमी अपने विचारों की अभिव्यक्ति चित्रों के रूप में हमेशा से ही करता आया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि चित्रकला उतनी ही पुरानी है जितना मानव का इतिहास है। मानव जहाँ रहता था अपने आश्रय स्थल में, गुफाओं की दीवारों पर, चट्टानों पर इस तरह के चित्र बनाया करता था, आड़ी तिरछी रेखाएँ खींचकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया करता था। आज हम फिर से शैलाश्रयों में इतिहास ढूंढने लग गए हैं। सबसे पहले भीम बेट का, यहाँ पर एक बहुत फेमस काम ऐसा है तो भीम बेटका की केव्स पर है, भीम बेटका की गुफाओं पर है। उसके बाद से ऐसा पूरे भारत में इस तरह की खोज शुरू हो गई, रिसर्चर्स ने खोज शुरू कर ली कि क्या बाकी भारत के स्थलों में जहाँ पहाड़ मिल रहे हैं, शैलाश्रय मिल रहे हैं, वहाँ पर क्या मानव ने इस तरह के कोई चित्र बनाए हैं। और राजस्थान में भी इस तरह के बहुत से चित्र मिले हैं। राजस्थान में जहाँ भी पहाड़ होता है वहाँ कोई ना कोई आड़ जरूर होगी। जैसे मानव भी जानवरों की तरह रहता था, जानवर रहने के लिए कोई गुफा, कोई गड्ढा, कोई आश्रय, चट्टान के नीचे बैठने का कोई स्थान जहाँ बारिश नहीं आती हो, धूप नहीं आती हो, इस तरह का कोई स्थान ढूंढ लेता था। उसी तरह मानव, क्योंकि वो भी जानवरों की तरह रहता था, मानव भी इस तरह का कोई स्थान ढूंढ लेता था। और मानव ने भी जहाँ वहाँ बैठता था, जिन चीज़ों को देखता था, शिकार का दृश्य देख रहा है या पानी का दृश्य देख रहा है, सूरज चांद देख रहा है, जो भी दृश्य को देख रहा होता था उसी तरह के चित्र को वो बनाने की कोशिश करता था। वैसा का वैसा हमें इस तरह की आड़ी तिरछी रेखाएं और बहुत से ऐसे चित्र, बहुत सी ऐसी आकृतियाँ जिन्हें हम पहचान लेते हैं, जिनमें पशु आकृति है, आखेट के चित्र हैं, हम आज भी देख पाते हैं, सूरज चांद के चित्र हैं, हमें आज मिलते हैं। और राजस्थान में इस तरह के हमें बहुत से शैल चित्र मिले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चित्रकारी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी हम यही कहेंगे, राजस्थान में आज रिसर्चर्स ने बहुत सी ऐसी जगह खोजी हैं जहाँ पे शैलाश्रय मिले हैं, जैसे अजीतगढ़, नीम कथाना डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के हमें स्थल मिले हैं, हमें झुंझुनू में इस तरह के स्थल मिले हैं और भी कई हमें स्थल मिले हैं। और अब तो इस बारे में एक नई किताब भी पब्लिश हो चुकी है जो पूरी शैलाश्रय के ऊपर है और शैल चित्रों के ऊपर है। इस तरह के क्वेश्चंस भी अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान की चित्रकला की बात कर लेते हैं। राजस्थान की चित्रकला को राजपूत